एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं होंगी, इसी पूरी गारंटी होगी, लड़ी बड़ी एक्सीडेंटल की गारंटी होगी, कागज़ पत्र की गारंटी होगी, जो चली होगी मीटर की भी गारंटी होगी। वैगनार खड़ी हुई है, 2013 मॉडल की गाड़ी होगी ये। आस्किंग प्राइस इसकी हम 2,90,000 रुपये की करते हैं और ये निगोशिएबल है, इसमें जब भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है, जो भी कम हो। गाड़ी जो चली हुई है लमसम 40-42,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है, जो कि ऑन रिकॉर्डेड होगी सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली, क्योंकि भाई एक बार फिर से काफ़ी दिन बाद मैं आ चुका हूँ बेस्ट डील फोर व्हील्स मतलब कार के बिग बाज़ार में। तो भाई यहाँ आपको हर एक मॉडल की, हर एक सेगमेंट की, हर एक गाड़ी भाई आपको मिल जाने वाली। स्टॉक के बारे में बात करें तो बहुत ही बड़ा कहा जाए तो वो स्टॉक आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते और बुलाते हैं यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर सुबोध सर को, जो हमेशा की तरह हम लोग को सारी गाड़ियों के बारे में वन बाई वन करके फुल डिटेल देते हैं। तो हेलो सुबोध सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से काफ़ी दिन बाद। तो आज की वीडियो में छोटी गाड़ी हम लोग दिखाने वाले हैं, ठीक है? आज की वीडियो में छोटी गाड़ी, तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भाई बेल आइकन को तो प्रेस करना बनता ही। और यहाँ पर आ रही होगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वन बाय वन करके सुबह सर हम लोग को हमेशा की तरह सारी गाड़ियों का डिटेल देने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सर सबसे पहली गाड़ी हमारी कौन सी होने वाली है? ऑल्टो से ही शुरू कर देता हूँ। तो ऑल्टो मेरे पास में खड़ी हुई है, 2019 मॉडल की गाड़ी है ये, लखनऊ नंबर हो जाएगा, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, VXI वेरिएंट है और बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। गाड़ी जो चली हुई है ये 40,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, जो कि ऑन रिकॉर्डेड होगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। तो करने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको अगर सारी चीज़ें मिलेंगी, एयरबैग, ABS, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड, इसका पेंट, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, पेंट पॉलिश थोड़ा बहुत किया गया है। अच्छा। और ज़्यादातर गाड़ियाँ, जो भी गाड़ियाँ आप देखोगे, थोड़ा बहुत किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा पेंट पॉलिश छुटपुट सब में होगा। अगर मैं कहूँ 2019 मॉडल की गाड़ी है, 2 साल शहर में चली हुई है, तो स्क्रैचेस भी लगते हैं, बंपर भी करते हैं, तो ये करना पड़ता है। एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं होंगी, इसी पूरी गारंटी होगी, लड़ी बड़ी एक्सीडेंटल की गारंटी होगी, कागज़ पत्र की गारंटी होगी, जो चली होगी मीटर की भी गारंटी होगी। अपनी संतुष्टि के लिए आप इसको चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इंटीरियर में इसके क्या फर्स्ट क्लास है, इसमें फीचर्स में आपको दो फ्रंट के पावर विंडो मिल जाएंगे, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, दो एयरबैग मिल जाएंगे, ABS मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाएगा, सीट कवर लेदर के हो जाएंगे, मैटिंग अच्छी कंडीशन में पड़ी हुई है। तो कुछ भी नहीं करना गाड़ी में आपको, फर्स्ट क्लास कंडीशन। पीछे से एक बार दिखा दे, बिल्कुल दिखाइए, पीछे से भी दिखाइए, फर्स्ट क्लास कंडीशन की गाड़ी होगी। कुछ भी नहीं करना है, फ्यूल डालिए, गाड़ी चलाइए, सिर्फ इतना ही करना है। इसका आस्किंग प्राइस, आस्किंग प्राइस की बात करें अगर, तो 3,40,000 रुपये इसकी डिमांड करते हैं और ये भी निगोशिएबल है, जब भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ इस पर बार्गेनिंग करी जा सकती है, जो भी प्राइस कम हो जाए इसका। अच्छा, ये डीजल में होगी कि पेट्रोल? पेट्रोल ही होती है, डीजल नहीं होती। अच्छा, क्या माइलेज देगी? माइलेज देगी 18-20 का, 18-20 का सिटी के अंदर, हाईवे पे थोड़ा और डिपेंड करता है आप चलाने पे कैसे चला रहे हैं, किस स्पीड में चल रहे हैं, उसी हिसाब से माइलेज होगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट गाड़ी पे बढ़ते हैं। वैगनार खड़ी हुई है, 2013 मॉडल की गाड़ी होगी ये, लखनऊ नंबर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, टॉप मॉडल हो जाएगी, VXI है और VXI ऑप्शनल है ये, तो इसमें एक सिंगल एयरबैग भी हो जाएगा। फुली लोडेड गाड़ी, गाड़ी जो चली हुई है 70,000 किलोमीटर चली हुई है, टायर वगैरह बहुत अच्छी कंडीशन में, ब्रांड न्यू पड़े होंगे,
तो बहुत बढ़िया कंडीशन में टायर होंगे। बॉडी लाइन से कुछ भी करना नहीं, पेंट पॉलिश मैंने कर रखा है, तो बॉडी लाइन में कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको टायर से कुछ करना है, ना इंटीरियर से कुछ करना है, ना इंजन से कुछ करना है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें सारा कुछ होगा, तो सारा कुछ का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें आपका सिंगल एयरबैग हो जाएगा, ABS भी हो जाएगा, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड हो जाएगा, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर, पीछे वाइपर, डिफॉगर, सभी कुछ हो जाएगा, फुली लोडेड गाड़ी हो जाएगी। तो वैगनार पेट्रोल ही होती है, बाकी जैसे मैंने बताया आपको अंदर की चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर, सिंगल एयरबैग, स्टीयरिंग पे सभी कुछ होगा, चाबी में ही सेंट्रल लॉकिंग हो जाएगी, तो फुली लोडेड गाड़ी हो जाएगी। इसका डिमांड आपने क्या रखा? आस्किंग प्राइस इसकी हम 2,90,000 रुपये की करते हैं, और ये निगोशिएबल है, इसमें जब भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है, जो भी कम हो जाए। अच्छा, कब नेक्स्ट गाड़ी आइए? ग्रांड एटेन पे आ जाते हैं, 2017 मॉडल की ग्रांड एटेन होगी, नंबर इसका UP 33 है, रायबरेली का होगा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बेहतरीन कंडीशन में होगी, टॉप वेरिएंट हो जाएगा, यास्टा वेरिएंट हो जाएगा। ये गाड़ी जो चली हुई है लमसम 40-42,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है, जो कि ऑन रिकॉर्डेड होगी सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, वेरिएंट इसका टॉप हो जाएगा। बॉडी लाइन से कुछ भी करना नहीं है, टायर से लेकर के अंदर बाहर कुछ भी नहीं करना है, फुली लोडेड गाड़ी हो जाएगी। इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, आपका एयरबैग हो जाता है, ABS हो जाएगा, अलॉय व्हील हो जाएगा, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड हो जाएगा विथ टच स्क्रीन के साथ में, और इसमें बैक कैमरा भी होगा, आस्टा है, 1.2 लीटर इंजन पे हो जाएगी, ये बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी होगी। इंटीरियर देख लेते हैं, बेहतरीन इंटीरियर भी होगा, आप इंटीरियर भी दिखाइएगा। इंटीरियर में आपके चारों पावर विंडो हो जाएंगे, पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर, पुश बटन स्टार्ट, 2 एयरबैग, ABS, अलॉय व्हील, कंट्रोलर स्टीयरिंग पे, हैंडरेस्ट आपका सीट कवर के बीच में मिल जाएगा, सीटों के बीच में, पीछे आपका छोटा AC भी हो जाएगा, मैटिंग वगैरह बहुत अच्छी कंडीशन में पड़ी हुई है। आस्किंग प्राइस इसकी हम 4,75,000 रुपये की करते हैं, और ये निगोशिएबल है, बिल्कुल हो सकता है। ये इसका क्या माइलेज आ जाता है? माइलेज देगी, अगर लोकल शहर में चलाएंगे 1500-1600 का माइलेज देती है, हाईवे पे है तो 17-18 के आसपास का माइलेज निकालेगी। अच्छा, बाकी डिपेंड करता है आप पे कैसे यूज़ कर रहे हैं आप इसको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी। आइए, नेक्स्ट गाड़ी हमारी कौन सी? हुंडई की ऑन है ये। मॉडल की अगर बात करें तो 2012 मॉडल की गाड़ी होगी, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी हो जाएगी, नंबर इसका लखनऊ का है, और ख़ास बात ये है कि जैसे गांव देहात में आदमी मांगता रहता है, LPG पेट्रोल होगी, ये कंपनी फिटेड LPG पेट्रोल, इसमें दोनों ऑप्शन होंगे, तो चाहे LPG चलाइए चाहे पेट्रोल चलाइए, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी होगी। गाड़ी जो चली हुई है लगभग ये 32,000 किलोमीटर के आसपास चल गई है, टायर वगैरह बहुत बढ़िया कंडीशन में होंगे, ब्रांड न्यू जैसे लगे हुए हैं, बॉडी लाइन से कुछ भी करना नहीं है, LPG जैसे मैंने बताया ये, तो ये कंपनी फिटेड LPG हो जाएगा। फीचर की अगर बात करें तो इसमें आपके पावर विंडो नहीं मिलेंगे क्योंकि डिलाइट प्लस है ये, पावर स्टीयरिंग AC हो जाएगा, म्यूजिक सिस्टम इसमें बाहर से लगा हुआ है, सेंट्रल लॉकिंग बाहर से लगी हुई है, सीट कवर ये ओरिजिनल लगे हुए हैं, मैटिंग वगैरह ठीक ठाक पड़ी हुई है। जी हाँ, तो कुछ भी नहीं करना, ये LPG का सैंबल हो जाता है, यहाँ से LPG अपलोड हो जाएगा, उधर से पेट्रोल पड़ेगा, यहाँ से LPG होगा, तो LPG पेट्रोल कंपनी फिटेड है ये, डिलाइट प्लस हो गया इस वजह से। हाँ जी, वैसे अगर कोई आएगा तो गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रेश कंडीशन की गाड़ी है, और पूरी तरह से गारंटी शुदा गाड़ियाँ होती हैं, 100% गारंटी होगी हर एक चीज़ की, लड़ी भिड़ी, एक्सीडेंटल, कागज पत्तर, इंजन, मैकेनिकल, सब चीज़ की। इसका डिमांड आपने क्या? इसकी आस्किंग प्राइस 2,25,000 रुपये की करते हैं, और ये निगोशिएबल है, कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो उधर से दिखाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन होगी गाड़ी की। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी, आइए। सेवरेट की स्पार्क है ये, 2014 मॉडल की, एक्चुअली में थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो आबिद बाबू हमारे आए हुए थे, अंधेरा हो गया इसकी वजह से, बहुत बढ़िया तो इस समय नहीं दिख पाएगा, आए तो बहुत जल्दी थे लेकिन कुछ हमारे कस्टमर्स आ गए थे, इसकी वजह से मैं लेट हो गया था। तो स्पार्क 2014 मॉडल की गाड़ी है, लमसम 20,000 किलोमीटर के आसपास चल गई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, और नंबर इसका गोरखपुर का हो जाएगा। जी, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी, कुछ भी नहीं करना, ना बॉडी लाइन से करना, ना टायर से कुछ करना, ना इंजन से, ना इंटीरियर से, हर एक चीज़ ओके होगी। ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं होता है, पॉलिश पेंट जरूर करते हैं, थोड़ा बहुत तो जरूर होता है, पेंट पॉलिश के बगैर तो सब बेकार। LS मॉडल हो जाएगा, LS वेरिएंट है, सेकंड टॉप मॉडल हो जाएगी ये, इसमें LT टॉप मॉडल हो जाता है, LS सेकंड मॉडल हो जाता है। बॉडी लाइन से कुछ नहीं करना, ना टायर से कुछ करना, ना इंजन से, ना इंटीरियर से कुछ भी नहीं करना है। इंटीरियर की बात करें तो वो भी साफ सुथरा इंटीरियर होगा, 2 पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर, सभी कुछ होगा। सीट कवर एक कंपनी के लगे हुए हैं, कपड़े वाले पड़े हुए हैं, मैटिंग रबड़ की पड़ी हुई है। फिलहाल गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है। आस्किंग प्राइस तो इसकी 2,10,000 रुपये की करते हैं, और निगोशिएबल है, जब भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है। इसका क्या माइलेज आ जाता है? माइलेज देगी लमसम 18-20 के आसपास का। अच्छा, और हाईवे पे थोड़ा बहुत बढ़ जाए, डिपेंड करता है आप कौन सी स्पीड में और कैसे चल रहे हैं। गाड़ी की कंडीशन तो बहुत बेहतरीन, फर्स्ट क्लास कंडीशन की गाड़ियाँ होंगी, जो भी अगर कोई कमी बेसी भी होगी तो वो भी आपको कंप्लीट होकर तब मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। मॉडल क्या बताया था? 2014 का मॉडल है। इस पे फाइनेंस तो आराम से होगा? नहीं, इस पे फाइनेंस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं, सेवरलेट की गाड़ी की फाइनेंस नहीं हो रहा है, कंपनियाँ नहीं कर रही। अच्छा, तो इस पे फाइनेंस नहीं हो पाएगा। तो अब नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आइए। तो इस वीडियो की हमारी सेकंड लास्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है? ईऑन खड़ी हुई है, ये भी दिखा देते हैं। अच्छा,
तो मॉडल की बात कर लूँ तो 2015 मॉडल की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, नंबर लखनऊ का है, बेहतरीन कंडीशन की सिल्वर कलर की गाड़ी है ये। और गाड़ी जो चल गई है ये चल गई है लमसम 60,000 किलोमीटर के आसपास, और ये ऑन रिकॉर्डेड होगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। गाड़ियाँ जो भी अपने पास में होंगी पूरी तरह से गारंटी है, उसकी टायर वगैरह बहुत बढ़िया कंडीशन में होंगे, बॉडी लाइन से कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एरा प्लस हो जाएगी तो ये फ्रंट के दो पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एसी सभी कुछ मिलेगा इसमें आपको, कुछ भी नहीं करना है गाड़ी में। अंदर से भी दिखाइए एक बार आप, तो सारे फीचर मिल जाएंगे आपको इसमें भी, फ्रंट के दो पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एसी। थोड़ा हाँ जी, इस वजह से ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और इसका डिमांड आपने क्या रखा है? इसकी अगर आस्किंग प्राइस की बात करें, डिमांड की अगर बात करूँ तो डिमांड जो इसकी हम करते हैं वो 2,65,000 रुपये की करते हैं, और निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत इसमें भी बार्गेनिंग कर सकते हैं जो भी कम हो जाए। अच्छा, तो बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट गाड़ी की। आइए, तो हमारी इस वीडियो की लास्ट गाड़ी कौन सी होने वाली? होंडा की जेएस खड़ी हुई है, ये भी दिखा देता हूँ मैं, काफी लोग इसको भी रिक्वायरमेंट करते रहते हैं जेएस की। डीजल वेरिएंट गाड़ी हो जाएगी, 32 लखनऊ नंबर गाड़ी, लखनऊ नंबर है, मॉडल 2016 का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, डीजल वेरिएंट हो जाएगी, सेकंड टॉप मॉडल हो जाएगा ये, और बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिल्वर कलर की गाड़ी है, और गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है आपको, चाहे टायर की बात करें, बॉडी लाइन से बात करूं, इंजन की, इंटीरियर की, तो कुछ भी नहीं करना है गाड़ी में, फर्स्ट क्लास कंडीशन की गाड़ी होगी। और इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाता है? इंटीरियर में अगर फीचर की बात करें तो इसमें आपके चारों पावर विंडो हो जाएंगे, पावर स्टीयरिंग हो जाएगा, एसी हो जाएगा, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड हो जाएगा। अच्छा, सीट लेदर की होगी? सीट लेदर की लगी हुई है। और वेरिएंट कौन सा है? एसएमटी है, एस मॉडल होगा, ये लिखा हुआ है देखिए आप यहाँ पे, जेएस के नीचे एस लिखा हुआ है, एस मॉडल है। आईडीटेक हो जाएगी, ये डीजल इंजन हो जाएगा, आईडीटेक वेरिएंट हो जाएगा, आई निकल गया, आईडीटेक रह गया है, तो ये आईडीटेक है, डीजल वेरिएंट। 60,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है ये, 78,000 चल गई है, 68,000 चल गई है, 68,000 किलोमीटर चली हुई है। डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड जो इसकी कर रहे हैं कस्टमर की, जो नीड है वो आस्किंग प्राइस 5,25,000 रुपये की है, बाकी निगोशिएबल है ये, जहाँ भी छूट जाए वो एक अलग चीज़ होगी। अच्छा, अब और इसका क्या माइलेज आ जाता है? माइलेज देगी लमसम 20 के आसपास का ही, 20 के आसपास का। हाँ, अच्छा, तो अब फाइनेंस का भी बताइए। फाइनेंस की सुविधाएं हैं अपने पास में, कोई भी 2013 के बाद की गाड़ी होगी उस पर फाइनेंस हो सकता है। अच्छा, और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे नॉर्मली अगर बात करूँ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस कर रहे हैं तो ITR चाहिए होता है, सैलरी रहेगा तो सैलरी अकाउंट में चाहिए होती है, और खेती किसानी कर रहे हैं तो खतौनी चाहिए होती है। तीनों चीज़ों में अगर तीनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, और घर मकान अपना होना चाहिए, NIP केस हो जाएगा, नो इनकम प्रूफ में केस जाएगा वो, और आज के डेट में बैंक सिबिल स्कोर भी चेक करती है, तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा है तो 70% से लेकर के 90% तक फाइनेंस हो जाता है, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे। एड्रेस बता दीजिए। 2 से 3 दिन का समय लगता है, फटाफट फाइनेंस हो जाता है। एड्रेस क्या होने वाला है? शोरूम हमारा बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से है ये, A30 निराला नगर, अपोजिट ICICI बैंक, नियर रामकृष्ण मठ, लखनऊ। मेरा नाम सुबोध तिवारी है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9335-3461-3। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोशिश करिए आप मुझे ऑफिशियल टाइम पे ही कॉल करिए, 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में फ़ोन करिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए, गाड़ी खरीदना हो या बेचना हो तो मैं बताऊंगा आपको उसके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो सुबोध सर, काफ़ी रात हो चुकी थी और उसमें वीडियो शूट हो गया, तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।